मंदसौर जिले के नारायणगढ़ थाना क्षेत्र के गांव रूपा रेल में बीती रात एक दलित युवक की बिंदोली रोककर दबंगों द्वारा बारातियों पर पथराव करने का मामला सामने आया है। मामले में दो बाराती युवक को सिर में गंभीर चोटें आई हैं, तो वहीं बाकी ने जैसे तैसे अपना बचाव किया। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। पथराव करने वाले दबंग घटना के बाद मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना के बाद मौके पर नारायणगढ़ थाना सहित पुलिस चौकी का पुलिस बल पहुंचा और पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया। पुलिस ने दलित के परिजनों से घटना की जानकारी लेकर घायलों को तुरंत अस्पताल भिजवाया, तो वहीं आरोपियों की धरपकड़ शुरू की। पुलिस ने पीड़ितों की निशानदेही पर लोगों को गिरफ्तार किया और थाने लेकर पहुंची। इधर पुलिस की मौजूदगी में शादी की आगे की रस्में पूरी हुई। बुधवार सुबह पुलिस ने दलित युवक की बिंदोली पर पथराव करने वाले 6 नामजद बदमाशों को प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। वहीं मामले में एसपी सिद्धार्थ चौधरी ने बताया कि विवाद में गमी वाले परिवार के घर के सामने डीजे बजाने की बात पर हुआ था, जिसके बाद पथराव करने वाले पक्ष के लोगों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया है। मामले की विवेचना अभी जारी है। अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है और 6 नामजद हुए हैं, उसमें से कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। और घटनाक्रम ये था कि जब बारात निकल रही थी तो एक परिवार में गमी हो गई थी, तो वहाँ पे मना किया गया तो कुछ नारेबाजी हुई और पथराव हुआ। मामला पंजीबद्ध कर लिया गया, पुलिस ने पर्याप्त सुरक्षा के प्रबंध किए हैं।